जी हाँ नमस्कार, मैं हूँ पंकज पटेल ब्राइट फॉर सॉल्यूशन से। अभी आपको ये गजानन का ये जो 30 kg या 40 kg स्केल है ये आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, ये कैमरे की लाइट में आपको शायद ब्लिंक हो रहा है 5124 और यहाँ पे ये रिज़ल्ट आ रहा है 5124। और यहाँ पे ये वेज स्केल में ये जो यहाँ पे जो ये बाट रखा है वो है 5 kg का, तो हम उसको अभी कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये वेइंग स्केल चालू करके आपको उसके ऊपर बाट रख देना है और उसके बाद आपको एम प्लस बटन प्रेस करके रखना है। जैसे ही एम प्लस बटन प्रेस करके रखेंगे तो एंटर आएगा, एंटर के बाद आपको यहाँ पे एंटर डालना है। एंटर किया तो यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे वेट रखा है वो वेट अब यहाँ पे लिख देना है। तो ये एम प्लस से हम यहाँ पे ये 5 कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ से शिफ्ट कर देना है। समझ लो कि ये हम 4 digit में ऑपरेट कर रहे हैं, तो मैंने नेक्स्ट अगले वीडियो में भी बताया है कि कैसे 4 digit से 3 digit ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी आपको सही लगे तो देख लेना चाहिए। यहाँ पे हम करते हैं ये वेट रखा है, उसके बाद हम यहाँ पे टेयर करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने टेयर किया तो ये यहाँ पे 5 kg वेट हो गया। तो ये यहाँ पे अभी आप देखो कि 5 kg वेट रखा है, लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है कभी कभी 4 kg 999। तो ये जो लास्ट जो 2 gram का जो वेरिएशन रहता है, ये class 3 जो स्टैम्पिंग रहता है, class 3 जो स्केल रहता है, उसमें कभी कभार आपको 1-2 gram का वेरिएशन रहेगा ही रहेगा। तो आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि समझ लो कि class 3 के स्केल है तो उसमें 1-2 gram रहेगा। तो ये हो गया अभी हमारा कैलिब्रेशन, तो ऐसे उसको कैलिब्रेट करते हैं। अभी मैं और एक बात बता रहा हूँ कि उसको आप वो कैपेसिटी कैसे तैयार कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो ये कैपेसिटी आप कैसे मैनेज कर सकते हो वो भी देख लो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल, थैंक यू।